इसका एक पैकेट बेचने में एक दुकानदार को 10% कमीशन मिलता है और एक 12 पैकेट बेचेगा तो उसको 12-17% कमीशन मिलता है और एक होलसेलर को पार पीस बेचने में 4-7% कमीशन मिलता है। इसके 10 रुपए पैकेट में 30 ग्राम चिप्स आता है और एक 50 रुपए वाली पैकेट में 90 ग्राम चिप्स आता है। लेकिन क्यों? कंपनी समझता है जिसके पास ज्यादा पैसा है वही इस पैकेट को खरीदेगा और कंपनी इस चीज से पैसा कमाता है और 5-10 रुपए वाली पैकेट में तो वो तो मार्केटिंग करने के लिए देता है।